बकरीद की पृष्ठभूमि में वर्धा के हिंगन घाट में शांतता समिति की बैठक संपन्न हुई। महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के तहत नागरिकों से मवेशियों का वध न करने की अपील की गई। बकरीद का त्योहार शांतिपूर्वक मनाने की भी अपील की गई। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर पुलिस विभाग सख्त कार्रवाई करेगा, ऐसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इन्होंने इशारा दिया। बकरी ईद की पृष्ठभूमि में वर्धा के हिंगन घाट में शांतता समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर साकर कवड़े इनके मार्गदर्शन में आयोजित की गई थी। महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के तहत नागरिकों से गोवंश की कत्तल न करने का आह्वान किया गया। बकरी ईद शांति पूर्वक मनाने की अपील भी की गई। साथ ही डॉक्टर सागर कवे ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले समाज विद्रोहियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार की हिदायत इस वक्त उन्होंने दी है। बकरी ईद च्या निमित्ताने आज हिंगनघाट पुलिस स्टेशन येथे शांतता कमिटी तसे सर्व नागरिकांची बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती। या निमित्ताने बकरी ईदसाठी महाराष्ट्र प्राणी संवर्धन कायद्यान्वये गोवंशाची कत्तल होऊ नये यासाठी नागरिकांना आवाहन करण्यात आलेलं होतं। बकरी शांततेने साजरा करण्याचे सुद्धा आवाहन केले। तसेच सोशल मीडियावर काही मजकूर किंवा व्हिडिओ काही लोक प्रसारित करतात यांना माझा निर्वाणीचा इशारा आहे की आपणावर कडक कारवाई पोलीस विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येईल आणि सोशल मीडियावर पोलिसांची बारकाईने नजर आहे। त्याचबरोबर काही अडचणी बकरीच्या निमित्तानं होतात त्याचासुद्धा उहापोह करण्यात आलेला आहे आणि बकरी शांततेनं साजरी होईल असं नागरिकांना आवाहन सुद्धा करण्यात आलेलं आहे। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोडकर की रिपोर्ट। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरी आउटर रिंग रोड पोस्ट बेसा नागपुर। अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज।